बाबा आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामजी उपाध्याय हुआ। रामजी उपाध्याय जी ने बताया कि सोन मीन्स सोना नहीं, वो तो स्वर्ण होता है, और सोन मीन्स होता है सुरंग। और ये गुफा तो ढह चुका है ना? ये पूर्वी गुफा के बारे में बताया है कि दो मंजिला था जो कि 1934 के भूकंप में टूट। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं गुफा के बिल्कुल ऊपर, और ये गुफा था जो कि नष्ट हो चुका है, समय के साथ ये अंत हो चुका है। कुछ अवशेष बच रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ऊपर तो नहीं लेकर जा सकता हूँ क्योंकि खतरों से खाली नहीं है ऊपर। तो फाइनली दोस्तों हम लोग गुफा के अंदर आ गए हैं। ऐसे गुफा खाली है, कुछ है नहीं गुफा में, लेकिन आप इसके दीवारों को देख सकते हैं किस टाइप से कलाकृतियां हैं। तो गाइज मैं यहां पे आ चुका हूं स्वर्ण भंडार के पास में। आप यहां के बारे में आपको मैं बताता हूं, इनसे बाबा हैं एक, इनसे पूछ करके कि क्या यहां का इतिहास है। बाबा आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामजी उपाध्याय। तो बाबा यहां का बताइए क्या इतिहास रहा है यहां का? आप सबों का मेरा नमस्कार। नालंदा विश्वविद्यालय के तरह यह तो जंगल झाड़ी मिट्टी में ढका हुआ था। एशिया महादेश का द्वितीय विश्वविद्यालय हुआ नालंदा, जहाँ पर दो चाइनीज विद्यार्थी थे फाहयान और हुएनसांग। हुएनसांग साहब जब भारत भ्रमण यात्रा किए, उनके भारत भ्रमण यात्रा के रिपोर्ट पर यहाँ की खुदाई 1905 में लॉर्ड कनिंघम और मार्शल ने करवाए। खुदाई पश्चात दो गुफाएं मिली, लेकिन स्वर्ण भंडार का कोई प्रमाण मिला नहीं। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे अपने वालों ने अपना नोटिस बोर्ड पर सोन भंडार लिखा है। तो सोन का मतलब लोग सोना समझ कर आते हैं देखने के लिए। सोना का तो शुद्ध हिंदी होता है स्वर्ण, ये सोन है SONE। सोन मीन सुरंग, अर्थात पहाड़ के भीतर 3 माइल की लंबी सुरंग है, गुफा है। उधर आपका हॉट स्प्रिंग गर्म जल का कुंड हुआ, तो कुंड के बगल से 565 सीढ़ी ऊपर पहाड़ चढ़ जाइए। पहाड़ का नाम है वैभारगिरी। वैभारगिरी पहाड़ी के ऊपर में सप्तपर्णी गुफा पिपली गुफा है, खुला हुआ है। उन गुफाओं का अंडरग्राउंड रास्ता यहाँ तक बताया गया है। और ऐसा बौद्ध साहित्य में स्टेटमेंट है कि जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, उनके मृत्यु के 3 महीना बाद 500 भिक्षुओं का प्रथम बौद्ध महासंगीति सभा सप्तपर्णी गुफा के भीतर हुई। और बौद्धों की 3 धार्मिक पुस्तकें लिखी गई, सुत्पिटक, विनयपिटक और अभिधम, मतलब त्रिपिटक। लेकिन बुजुर्गों ने ऐसा कहानी बना दिया है कि 2600 पूर्व मगध का राजा बिम्बिसार थे, तो राजा बिम्बिसार का भंडार खजाना छिपा हुआ है। अब गौर से सोचा जाए कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण वालों ने इस गुफा को 1700 वर्ष प्राचीन प्रमाणित किए हैं, 3rd century AD, और बिम्बिसार का जन्म 2600 पूर्व हुआ 6th century BC में। तो जो व्यक्ति 900 वर्ष पहले स्क्वायर कर चुके हैं, मर चुके हैं, तो फिर उनका खजाना कहाँ से आया? ऐसा हवा फैल गया है कि अंग्रेज सरकार सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, लेकिन अंग्रेज सरकार तो इतना तेज दरार व्यक्ति थे कि जब उनका आगमन भारत पर हुआ तो रेलवे लाइन बिछाया। अंग्रेज सरकार के पहले रेलवे लाइन तो था नहीं। आपका बम्बई जाने के लिए 7 पहाड़ काट कर रेलवे लाइन बनाया, गया से कोडरमा के लिए 3 पहाड़ काट कर रेलवे लाइन बनाया। तो क्या फिर अंग्रेज सरकार को उसे काटना दुर्लभ था? भारत का प्रथम वैज्ञानिक जगदीश चंद बसु गर्मजल झरना को टेस्ट किए, तो वो ऐसा रिपोर्ट प्रकाशित किए कि इस पहाड़ के भीतर विस्फोटक पदार्थ है, गंधक लोहा फास्फोरस, अगर इसे छोटा सा डायनामाइट से तोड़ा जाए तो ब्लास्ट कर जाएगा, ज्वालामुखी फूटेगा, गर्म जल वगैरह बंद होने का उम्मीद है। और अपना भारत सरकार को
स्वर्ण भंडार के संबंध में कोई कॉन्फिडेंस है नहीं, इसलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे अपने वालों ने अपना नोटिस बोर्ड पर साफ लिखा सोन भंडार। सोन मीन सुरंग और भंडार का मतलब सुरंगों का भंडार। तो इसके कंपास में कई जगह लिपियां लिखी हुई है और उन लिपियों के बारे में ऐसा हवा फैल गया है कि लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे तो दरवाजा आप पे आप खुल जाएंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि वो तो चीनी का दाग है, किसी ने चेसिल चीनी से खुटका दिया है। जब दरवाजा है ही नहीं है तो फिर खुलने का प्रश्न कहाँ उठता है। तो दरअसल है क्या, पश्चिमी गुफा के बाहरी भाग पर दो लाइन की शिलालिपि है जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा पढ़ी जा चुकी है और बाहर वाली लिपि से आर्कियोलॉजिकल वालों ने स्पष्ट कर दिया है कि वस्तु स्थिति क्या है, कब की गुफा है, किसने बनाया और किस उद्देश्य से बनाया गया है। तो बाहर में जो लिपि है वो गुप्त ब्राह्मी है, स्क्रिप्ट है ब्राह्मी लैंग्वेज है संस्कृत, उल्टा पढ़ा जाता है जैसा उर्दू में पढ़ा जाता है। तो संस्कृत में अनुवाद इस प्रकार हुआ है, निवाना लाभाय तपस्वी योग्य शुभ गुहे अरहंत प्रतिमा प्रतिष्ठते आचार्य रत्नम मुनि भैर देवा थर्ड पर्सन जो रियडी। तो बाहर वाली लिपि से स्पष्ट हो गया कि 1700 वर्ष पूर्व जैन मुनि भैरव देव साधना मुक्ति परिनिर्वाण एवं जैन धर्म प्रचार के उद्देश्य से ये पहाड़ काट कर दो गुफा बनवाए और यहाँ के पत्रों पर जैन तीर्थंकरों का मूर्ति खुदवाए। जो जैना मोनोमेंट है, जैन साधुओं का साधना का जगह है, मेडिटेशन का जगह है। अभी जो पूर्वी गुफा हुआ ये दोतल्ले का प्राचीन जैन मंदिर है, इसके भीतर दीवार पर दो संप्रदायों की मूर्तियां हैं, दिगंबर और स्वतंबर, क्योंकि गुप्ता पीरियड में जैन धर्म में दो भाग हुआ था। लेकिन जब मुस्लिम का राजा आया बख्तियार खिलजी नामक राजा हुए तो मुस्लिम बादशाह बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। तो यहाँ पर जो पत्थर दिख रहा है ये प्राचीन है, ईंट और चूना सुर्खी का जो रिपेयरिंग मिल रहा है ये समस्त भूकंप के बाद भारत सरकार ने प्रोटेक्शन सुरक्षा हेतु दिया है। दैट्स ऑल। तो अभी इन्होंने कितना अच्छा बात बताया, लोग यहाँ पे मन मानते थे कि यहाँ सोना है, बिम्बिसार का खजाना है। तो गाइज ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कोई सोना वोना नहीं है, सोन मीन्स होता है सुरंग। अभी अपने बाबा से जाना ही है, राम जी उपाध्याय जी ने बताया कि सोन मीन्स सोना नहीं, वो तो स्वर्ण होता है और सोन मीन्स होता है सुरंग। और ये गुफा तो ढह चुका है ना, ये पूर्वी गुफा के बारे में बताया है कि दो मंजिला था जो की 1934 के भूकंप में टूट गया। ओके ओके। और पूर्वी गुफा के दीवार पर जैन तीर्थंकरों का प्रतिमा है, दिगंबर और श्वेतांबर, क्योंकि गुप्ता पीरियड में जैन धर्म में दो भाग हुआ था। तो इन प्रतिमाओं से और भी प्रमाणिकता मिल रही है कि जैन मॉन्यूमेंट है, जैन साधुओं का साधना कर दिया। चलिए ठीक है। तो गाइस ये जो गुफा था, इसी गुफा के बारे में वो जो बताया है उपाध्याय जी ने, ये गुफा था जो दो मंजिला था, 1934 के भूकंप, बहुत ही ज्यादा दर्दनाक भयावह भूकंप था जो 1934 में आया था, तो उसी में ये ढह गया था। और यहाँ पे देखिए कुछ प्रतिमा बना हुआ है इस गुफा में। तो गाइस अभी हम लोग स्वर्ण भंडार से लौट रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं मनियार मठ के पास, और चलिए मनियार मठ के आपको ले चलता हूँ अंदर। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मनियार मठ, और ये स्मारक के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। चलिए गाइज हम लोग आ गए हैं मनियार मठ में, और ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, शाम का टाइम है, सनसेट हो रहा है, और भी सुहाना लग रहा है। और ये सीढ़ियाँ कितना पुराना है, कितना, और अभी तक देख सकते हैं आप इस पे दाग नहीं है। वाओ मैन, यही है गाइस मनियार मठ जो बना हुआ है।
तो गाइज शाम के बज रहे हैं 4:30 और हम लोग सुबह 9 बजे घर से निकले थे और गहलोर होते हुए राजगीर आए। समय हो गया यहाँ से निकलने की और गया पड़ता है यहाँ से 50 किलोमीटर और हम लोग अब यहाँ से निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। चलिए वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।